नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सिरहाक लहान में झाड़फूंक करवाक बहाना में एक युवती के बलात्कार, बलात्कारक आरोप में एक मौलाना पकड़ा। विकासक काज सबक निरीक्षण कर शहरी मंत्री श्रेष्ठ जनकपुरधाम आयल, लैंडफिल साइट निर्माण में सहयोग कर मुख्यमंत्री राव का आग्रह। सुंदर सफा नीक जनकपुरधाम बनाब सब संघ मंत्री श्रेष्ठक अपील, संघ सरकार अधिका विकास तत्पर रह। भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला दू दिनक नेपाल भ्रमण में, परराष्ट्र मंत्री सहित संघ भेंट। आ समानुपातिक समावेशिता के व्यवहार में कार्यान्वयन कर अलगे एन बनाब सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। आब समाचार विस्तार से। सिरहा के लहान में झाड़फूंक कर बहाना में एक युवती के बलात्कार भेल घटना सार्वजनिक भेल। लहान वार्ड 7 के एक युवती के झाड़फूंक के बहाना में बलात्कार केने घटना सार्वजनिक भेल। बलात्कार आरोप में एक मौलाना पकड़ायल। मिर्चैया नगर पालिका 10 घर भ एखन लहान 10 ग्रामीण चौक में रहित आयल 35 वर्षक मौलाना अली हसन प्रहरी बलात्कार केने आरोप में पकड़लक। मौलाना हसन रह वाला घर में झाड़फूंक कराब गेल 23 वर्षक युवती के मंगल के दोपहर में बलात्कार केने आरोप लागल। युवती के लहान में उपचार भ रहा है। मंगल के राते हसन के पकड़लक। मौलाना के अनुसंधान के लिए हिरासत में राखल गेल। ग्रामीण चौक स्थित मौलाना के घर में झाड़फूंक के लिए मंगल के दोपहर परिवारजन सहित गेल किशोरी के गेट लगा कर आधा घंटा बाद निकलल अवस्था में परिवारजन देखने चल। युवती घर में पहुँच कर अपना के बलात्कार कैल गेल बतौने चली। पीड़ित के परिवारजन मौलाना के नियंत्रण में ल मारपीट करत प्रहरी के खबर केने चल। पछिला 24 घंटा में देश भर 1614 जना कोरोना संक्रमित थपल। सहित नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 227640 पहुँचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आज देश भर 1437 जना कोरोना मुक्त भेल। अही संगे संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 209435 पहुँचल। देश भर 16793 जना सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय जनौलक। पछिला 24 घंटा में देश भर 23 जना कोरोना संक्रमित के जान गेल। एखन धरि 1412 जना जान जा चुकल। प्रदेश दू में पछिला 24 घंटा में 39 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशालय के तथ्यांक अनुसार परसा में 20, धनुषा में 4, सिरहा में 2, बारा में 4, रौथट में 2, महोत्री में 2, सरलाही में 1 आ बाहर जिला के 4 कोरोना संक्रमित भेटल। अहि संगे प्रदेश दू में कुल संक्रमित के संख्या 16623 पहुँचल। एखन धरि प्रदेश दू में कोरोना संक्रमण से 190 जना के जान जा चुकल। प्रदेश दू में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल। तहिना सप्तरी में 36, सिरहा में 23, धनुषा में 20, बारा में 19, महोत्री में 17, सरलाही में 13 आ रौथट में 10 जना के जान गेल। पछिला 24 घंटा में 13 जना कोरोना से नीक भ के आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश दू में 15570 जना संक्रमण से मुक्त भेल। एखन धरि प्रदेश दू में 139124 जना के स्वाब संकलन कैल गेल, जाहि में से 641 के नतीजा आब बाकी है। संघीय सरकार के शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ आ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत बीच भेंटघाट भेल। संघीय सरकार शहरी विकास मंत्रालय से प्रदेश दू में जारी विकास निर्माण के कार्य के स्थलगत निरीक्षण के लेल भ्रमण में रहल मंत्री श्रेष्ठ आ मुख्यमंत्री राउत बीच आई मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में भेंट भेल। भेंट के क्रम में मुख्यमंत्री राउत विकास निर्माण के कार्य में एक रूपता आन तीनों तह के सरकार बीच समन्वय आ सहकार्य होब के लेल जोर दिलन। ओ धार्मिक पर्यटकीय विकास के साथे जनकपुर धाम के लेल लैंडफिल साइट निर्माण में सहयोग कर संघीय मंत्री श्रेष्ठ के आग्रह कलन। छलफल में संघीय शहरी विकास मंत्री श्रेष्ठ प्रदेश सरकार से नीति तथा कार्यक्रम में समेटल गेल सप्तरी से परसा तक के धार्मिक पर्यटकीय कॉरिडोर निर्माण में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। ओ अपन मंत्रालय से प्रदेश में होवला संपूर्ण विकास निर्माण के काज में प्रदेश सरकार संग समन्वय कय के आगा बढ़वाक बतौलन। भेंट के क्रम में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव रमेश सिंह प्रदेश दू में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी विकास निर्माण के काज के बारे में जानकारी करौने छला। ओहि क्रम में वन उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री राम नरेश राय, जनता समाजवादी पार्टी के सचेतक द्वय शैलेन्द्र कुमार यादव, परमेश्वर शाह प्रमुख सचिव लगायत विभिन्न मंत्रालय के सचिव सब शहरी विकास मंत्रालय के पदाधिकारी सब सहितक सहभागिता रहल छल। शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सुंदर साफ आ बढ़िया जनकपुर धाम बनाब सब जनप्रतिनिधि आ स्थानीय निवासी के आग्रह कलन। ओ जनकपुर धाम के सुंदर साफ आ नीक नहीं भेला पर जनकपुरवासी के पहचान गुमत गेल
ई तीन संकल्प सहित आगा रणनीति बनाव आग्रह कलन। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम पहुंचल मंत्री श्रेष्ठ। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ अपना के जनकपुर धाम आबिक गौरवान्वित भेल बतबैत जनकपुर धाम वासी मात्र जनकपुर धाम के साफ रख संघ सरकार एत के विश्वास आ विकास के लिए तत्पर रहल बतौलन। कार्यक्रम में जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह IUDP के कार्य संपन्न भेल आ आई के निरंतरता के लिए मंत्री श्रेष्ठ के आग्रह कलन। तहिना आयोजना के 31.5 किलोमीटर नाला आ फुटपाथ सहित 12 किलोमीटर सड़क कार्यपत्र भ चुकल जानकारी दिलन। राम्रो हुन्थ्यो मलाई लाग्छ त्यो भइसकेपछि त्यो नालाको पनि मेन्टेनेन्स हुन्छ र पानी जम्ने काम पनि हुँदैन उसको लाइफ पनि बन्छ। जानकी मन्दिरको नजिकको यो कुरा हामी गरेका थियौँ त्यसलाई भनाएको बारेमा सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि त्यस विभागबाट बोलपत्र आह्वान भई हालसम्म पनि कार्य सुरु नभएको। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्टिभली गर्ने हो यसलाई अब चाहिँ कुनै पनि उसमा चाहिँ जिल्ला सुस्ती नभएर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने किसिमबाट हामी गर्नु पर्यो। एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत सर्वे भई बजेटको अभावमा निर्माण हुन बाँकी रहेको तथा नयाँ बाडाहरूको समेत करिब 25 किलोमिटर नाला र सडक कालो पत्रे हुन बाँकी रहेको अब यो जुन पहिला जे भेल छ सचिवजी त्यहीमा 25 किलोमिटर जे छ से ऊ जो भजै छ जी जी दोसर जो भजै छ तऽ मतलब सजिलो हेतै। ओ रीजनल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आयोजना लागू कऽ देबक लेल आग्रह कलन। तहिना बस पार्क निर्माण जलाद नदी कॉरिडोर निर्माण बजट के अभाव में कार्य शुरू होब नहीं सकल प्रोजेक्ट के संचालन 9 ग्रामीण वार्ड में कमती में एक एक पोखर के सौंदर्यकरण ग्रामीण सड़क के निर्माण नाला निर्माण भ बाकी रहल 3 किलोमीटर सड़क कार्यपत्र नया कार्यालय भवन निर्माण के लिए थप बजट तेल्हा मरहा पोखर के सौंदर्यकरण कार्य के लिए विभाग से बोलपत्र आह्वान भ हाल धरि काज शुरू होब नहीं सकल 25 किलोमीटर में नाला आ सड़क कार्यपत्र होब बाकी रहला से ई काज सब कह देब के लिए मंत्री श्रेष्ठ संग आग्रह कलन। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान विभिन्न मांग राख प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझलक। अभियान के पदाधिकारी सब बृहस्पति दिन मुख्यमंत्री राउत के 5 बजे मांग रखते ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक। वो सब सिराहा के चौहरबा स्थित मारुति सीमेंट उद्योग अतिक्रमण केने वन के सार्वजनिक जगह फिरता होब के क्रसर माफिया हत्या केने दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कर के दोषी के सजाए देब के मापदंड विपरीत के क्रसर उद्योग बंद कर के रौथट में सागरनाथ वन विकास परियोजना के अतिक्रमण में पड़ल 200 हेक्टर जगह वन में फिर से फिरता आन के आ बीपी पुष्पलाल सामुदायिक वन रौथट के अतिक्रमण में पड़ल 100 हेक्टर जगह फिरता होब के मांग कलक। वो सब अपना सब के मांग में ध्यान नहीं दिला बाद प्रदेश के 8 जिला में संघर्ष के कार्यक्रम करब चेतावनी दिलक। ध्यानाकर्षण पत्र बुझावा चूरे तथा वन जंगल संरक्षण के संयोजक सुनील यादव रानी राय राम शरण महतो चंद्रकिशोर अमन यादव लगायत मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँचल छला। बृहस्पति दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरिबोधनी एकादशी भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में तुलसी के विवाह कयल गेल अछि। हरिबोधनी एकादशी वर्ष में पड़े वाला 24 एकादशी में से सबसे बड़का एवं महत्वपूर्ण एकादशी मानल जाते अछि। अहि के बड़का एकादशी सेहो कहल जाइत अछि। हिंदू धर्म में एकादशी के भगवान विष्णु के उपासना करबाक पावन के रूप में लेल जाइत अछि। अखाड़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में सुतल भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठल बात पुराण सब में कहल जाइत अछि। एहि कारण से सेहो एहि दिन के हरिबोधनी एकादशी कहल जाइत अछि। हरिबोधनी से हरिशयनी से हरिबोधनी एकादशी धरि 4 महीना विष्णु के भक्त तुलसी के व्रत के विशेष पूजा करैत अछि। तुलसी के चौराहा के गाय के गोबर आ लाल माटि से लिप पोत के सिंगार के फूल माला से सजा के विवाह कयल जाइत अछि। तुलसी विष्णु प्रणय भेला से एहि दिन तुलसी के विवाह करबाक परम्परा रहल अछि। तुलसी के पूजा कयला पर घर में यमदूत सेहो नहि अयबाक आस्था के कारण वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी घरे में तुलसी के चौरा बनबैत अछि। तुलसी शुद्धता तथा पवित्रता के रूप में परिचित रहल अछि। तुलसी के पात डांट आ फूल के रस सर्दी खोखी सहित रोग के लेल दवाई सेहो होइत अछि। हिंदू ग्रंथ में तुलसी के देवी लक्ष्मी के अवतार कहि के विश्वास कयल जाइत अछि। तुलसी विवाह में हिंदू विवाह जेहन सब कार्य सम्पन्न कयल जाइत अछि। विवाहक समय मंगल गीत सेहो गाओल जाइत अछि। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सरकार दलाल पूंजीवाद आ नव उदारवादी पूंजीवाद प्रशय देने कहल आरोप भ्रमपूर्ण भेल बतौलन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54वां वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन सत्र के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली किछ समूह सरकार
दलाल पूंजीवाद आ नव उदारवादी पूंजीवाद के प्रशय देने आ उद्योगी व्यवसाय के विभाजित केने कह वाला आरोप लगाओल गेल कहत ओहन अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहल बतौलन अछि। ओहन अभिव्यक्ति सुनि कऽ दुविधा में नहीं पड़ समेत निजी क्षेत्र के प्रधानमंत्री ओली आग्रह कयलनि। मेरो र तेरो, मेरो पक्ष र तेरो पक्ष, आफ्नो पक्ष र अर्को पक्ष, सरकारका निम्ति त्यस्तो हुँदैन। सबै उद्यमीहरू, सबै व्यवसायीहरू, ती सबै राष्ट्रका निम्ति काम गरिरहेका, राष्ट्रमा योगदान गरिरहेका, राष्ट्रका निम्ति उत्पादन गरिरहेका, राष्ट्रका निम्ति रोजगारी दिइरहेका, राष्ट्रका निम्ति कर तिरिरहेका र राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन् समान छ। सरकार राष्ट्रीय पूँजी, राष्ट्रीय आयोग आ राष्ट्रीय पूँजीपति के सबल बनाब के पक्ष में रहल प्रधानमंत्री ओली बतौलन। राष्ट्रीय पूँजी उद्यमी आ पूँजीपति के विकास कर नहीं सकला से वैदेशिक लगानी खोज के बाध्यता भेल ओ बतौलन। राष्ट्रीय उद्योग जोड़ दी, राष्ट्रीय पूँजीपति जोड़ दी, वर्ष बाह्य पूँजी हमें हमारा उद्योग में हमारा विकास का काम बाह्य पूँजी लियाने नपरे होते हाम्रै पूँजीपतिलाई हामीले त्यति सबल बनाउन पाएको भए अरू बाहिरकाले किन यहाँ आएर इन्भेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि हामीले हाम्रा पूँजीपतिहरूलाई त्यस अनुसारले सक्षम बनाउन सकेनौँ, लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा उठाउन सकेनौँ। त्यस कारणमा हामीले बाह्य लगानी खोज्नु परेको होला। हामीले हाम्रैलाई सबल बनाउन सकेको भएदेखि त बाहिरका खोज्नै पर्दैन। आज हामी खोजी खोजीलाई वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरिरहेका छौँ किन भने हामीले हाम्रा उद्यमीहरूलाई त्यस स्तरमा विकास गर्न सक्छ। कोविड के कारण नागरिक, निजी क्षेत्र आ सरकार सबके कठिनाई पड़ला से मिल के सामना कर के विकल्प नहीं रहल से हो प्रधानमंत्री ओली बतौलन। सरकार मन के गरीब नहीं भेल आ अपन क्षमता आ गक्ष अनुसार उद्यमी व्यवसायी के मदद केने बतौलन। कार्यक्रम में उद्योग व्यवसायी सब कोरोना के कारण अर्थतंत्र आ व्यवसायी दुखी भेल बतौलक। बजट में आनल गेल सहूलियत कर्जा के कार्यविधि देर से औला से समेत उद्योगी व्यवसाय के दिक्कत भेल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल झा बतौलन। उद्योग व्यवसाय के निरंतरता देव पूंजी के अभाव भेला से घोषणा भेल राहत पैकेज जल्दी उपलब्ध कराब सरकार के ध्यान जा चाह गोल झा बतौलन। शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विकल्प आरो क्यों होव नहीं सकबाक बतौलन। आय राजधानी में फोकस नेपाल आयोजना केने कोरोना नियंत्रण में सरकार और नागरिक समाज के भूमिका विषय के अंतर्क्रिया में राज्य मंत्री मानंदर ओली के विकल्प क्यों नहीं भेल बतौलन। 70 वर्षे कालखंड में बनल सबसे बेसी शक्तिशाली सरकार ओली नेतृत्व में बल उल्लेख करते ओलिए के नेतृत्व में जनता के समृद्धि के सपना पूरा हाथ बतौलन। ओ आगामी 2 वर्ष में चुनावी घोषणा पत्र आ जनता संग कैल गेल प्रतिबद्धता अनुसार वर्तमान सरकार काम कर रहल बतौलन। पक्कै पनि हामीले बनाएको सरकारले धेरै कुराहरू गर्न नसकिरहेका होला, गर्न चाहेर हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराहरू हामीले अझ व्यवस्थित नभइरहेको होला। त्यसको लागि कमसेकम पनि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जताइदिउँ। हामी सबै नेपालीहरूको सरकार, हाम्रो देश नेपाल हो, यो नेपाल पनि हो कि सत्यता सुखी नेपाली भयो भने विदेशीहरू चाहिँ रजाइ गर्ने होला। यदि हामी दाजुभाइ मिल्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ यो देश अझ पनि हिजोको जस्तै 8 महिनामा, 10 महिनामा, 15 महिनामा सरकार फेरि चलाउँछ। मंत्री मानंदर कोरोना नियंत्रण में सरकार सब उपाय अवलंबन केने बतबैत जनता के जीवन रक्षा के लेल कोनो कसर बाकी नहीं रखने बतौलन। दक्षिण एशियाली देश में नेपाल स्रोत होब जका सबसे नीक व्यवस्थापन मिलौने दावी करत मंत्री मानंदर निःशुल्क उपचार में सब प्रक्रिया सहज बना देने बतौलन। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिनक औपचारिक भ्रमण के लिए काठमांडू पहुँचला। विदेश सचिव श्रृंगला बृहस्पति के भोरे चार्टर विमान मार्फत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण कला। श्रृंगला परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल के निमंत्रणा में नेपाल औला। विदेश सचिव बनला बाद ओ
नेपाल पहिर बेर एला श्रृंगला आइए परराष्ट्र सचिव पौड़ियाल संग भेंटवार्ता कैलनि त उच्च स्तरीय भेंटवार्ता समेत कार्यक्रम रहल जनाओल गेल अछि। भेंटवार्ता में द्विदेशीय राजनीतिक नक्शा आ सीमांकन के विषय प्राथमिकता राखि वार्ता हेबाक जनाओल गेल अछि। तहिना राष्ट्रपति विद्या भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली संग सेहो भेंटवार्ता के कार्यक्रम रहल अछि। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कोरोना के वैक्सीन में नेपाल के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। सिंह दरबार में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली संग के शिष्टाचार भेंट बाद विदेश सचिव श्रृंगला कोरोना उपचार में प्रयोग होवला वैक्सीन पहले भारत में उपलब्ध भेला बाद नेपाल के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सचिव श्रृंगला नेपाल भारत के संबंध सभ्यता संग जोड़ल गेल कहत केहनो प्रतिकूल अवस्था में सेहो नहि बिगड़बाक दावी कयलनि। Whether it is companies in the US, whether it is Sputnik V from Russia. The Prime Minister has made it clear that we will ensure that the vaccine is not just for the people of India, but for all humanity. We will make this vaccine accessible and affordable. And it goes without saying that the first priority will be for our closest neighbors, our friends, like Nepal. I had the opportunity to discuss this with the Honourable. परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल भारत के संबंध समय अनुसार परिवर्तन करैत मजबूत बनाब के लेल प्रयासरत रहल बतौलनि। नेपाल भारत संबंध ऐतिहासिक भेला से दू देश के संबंध के आधार मजबूत रहल बतौलनि अछि। I do believe that this visit will lay a solid foundation to further strengthen our relations, to address the outstanding issues, to further build up the mutual trust, and to craft a wonderful neighborly. Between Nepal and India. I once again like to express my sincere thanks to the Sanji Vindalaji and his entire team to visit Nepal this and so easy time. I wish a meaningful, productive stay in meetings here and forward. सचिव श्रृंगला आई सिंह दरबार स्थित परराष्ट्र मंत्रालय पहुँचकर परराष्ट्र मंत्री संग शिष्टाचार भेंट कयलनि अछि। एहि बीच भेंट बाद विदेश सचिव श्रृंगला भारत सरकार के तरफ से नेपाल के सहयोग प्रदान कयल गेल 2000 वायल रेमडेसिविर लगायत स्वास्थ्य सहायता हस्तांतरण कयलनि अछि। विदेश सचिव श्रृंगला आइए राष्ट्रपति विद्या भंडारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग शिष्टाचार भेंट कयलनि अछि। नेपाल आ भारत के परराष्ट्र सचिव सबके द्विपक्षीय वार्ता भेल अछि। वार्ता बाद संचारकर्मी संग संक्षिप्त बातचीत करैत भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला छलफल बढ़िया शुरुआत भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। ओ दू देश के बीच में देखल गेल समस्या समाधान करय विषय में छलफल भेल बतौलनि। आर्थिक सहकार्य से पूर्वाधार निर्माण लगायत के विषय में सेहो छलफल कयल गेल श्रृंगला बतौलनि। एजेंडा वाज वेरी वास्ट सो ऑल दिस टाइम वी हैव टेकन टू कवर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन रेंजिंग फ्रॉम द economy to cultural cooperation to infrastructure development. I thank His Excellency for his hospitality and of course facilitating our very useful meeting. वार्ता में परराष्ट्र सचिव भरत राज पौडेल आ भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला सहभागी छला। भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला दू दिनक औपचारिक भ्रमण के लेल आई भोरे काठमांडू पहुँचला अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली भारत आ चीन संग आर्थिक विकास बाहेक लाभ लेबा बाहेक कोनो भी नेपाल के स्वार्थ नहि रहल बतौलनि अछि। विश्व महाशक्ति के रूप में विकास होइत आयल दू मित्र राष्ट्र बीच बढ़िया संबंध विकास करैत
आर्थिक विकास से लाभ लेब बाहेक नेपाल के आरो कोनो स्वार्थ नहीं रहल बतौलने। संसदीय सुनवाई समिति के बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि के रूप में सहभागी भेल मंत्री गेवाली भारत से विदेश सचिव आ चीनिया रक्षा मंत्री के नेपाल भ्रमण के विषय में उठल प्रश्न के जवाब दैत मंत्री गेवाली नेपाल के परराष्ट्र नीति सब दिन संतुलित रहबाक बतौले। संविधान परिषद को सदस्य नाले मैं नहला तर हमी एकदम सरकार अप्ठारो पारूँ अथवा मापदंड अथवा के भिस्ब ओवरअल राज्य को पर्सपेक्टिव हे जानूदी आयोग को परिषद को बैठक पटक पटक क्रम में डूबे रोकने पड़ने स्थिति बनने हुए भग्रह जे भाई अब इसको भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बृहस्पति दिन भोरे चार्टर्ड विमान मार्फत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अवतरण केने छला। भेंटवार्ता में द्विदेशीय राजनीतिक नक्शा आ सीमांकन के विषय के लक प्राथमिकता में राखि वार्ता भेल अछि। ओ राष्ट्रपति विद्या भंडारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ परराष्ट्रमंत्री प्रदीप गेवाली संग सेहो भेंटवार्ता कार्यक्रम रहल अछि। तहिना चीनिया रक्षा मंत्री वेई फेंगहुए एक दिनक भ्रमण के व्यस्त तालिका ल मंगसिर 14 अगस्त नेपाल आब लगला अछि। नेपाल चीन संबंध के 65वां वर्षगांठ के अवसर में रक्षा मंत्री वेई के भ्रमण होब लागल अछि। भ्रमण में आपसी सुरक्षा समन्वय के विविध विषय में बातचीत होयत। रक्षा मंत्री वेई राष्ट्रपति विद्या भंडारी प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री केपी शर्मा ओली सहित के नेता संग भेंटवार्ता करबाक कार्यक्रम रहल अछि। संसदीय समिति समानुपातिक समावेशिता के व्यवहार में कार्यान्वयन के लेल अलगे एन बनाव सरकार के निर्देशन दिलक अछि। आइ बैसल समिति के बैठक से संविधान से परिकल्पना कयल गेल आ मौलिक अधिकार के रूप में समेत रहल समानुपातिक समावेशिता के व्यवहारतः कार्यान्वयन के लेल अलगे एन आना निर्देशन दिलक अछि। सर्वस्वीकार्य होब जका संविधान के प्रस्तावना आ मौलिक अधिकार के धारा 42 में उल्लेख भेल अनुसार एन बनाब निर्देशन देल गेल समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण बतौलने। तहिना समिति से संवैधानिक निकाय के पूर्णता देब से निर्देशन देल गेल। संवैधानिक निकाय से पूर्णता नहीं पौला धरि संविधान कार्यान्वयन कर नहीं सकल उल्लेख करित समिति सभापति कर्ण रिक्त रहल पद में तत्काल नियुक्ति कर निर्देशन दिलन। महिला आयोग दलित आयोग जनजाति आयोग लगायत के आयोग पदाधिकारी विहीन रहल अछि। र हामीले समग्र कुरा खोजेका थियौँ, अझ संवैधानिक परिषदको कुरा पनि खोजेका थियौँ, त्यसकारण उहाँको कुरा हामी सुनिकन आज हामीले के निर्देशन गरेका छौँ भने समानुपातिक समावेशी कसैको डिस्क्रिप्सनमा नहोस्, पक्षपातपूर्ण नहोस्, एउटा कानुन नै बनोस्। त्यसकारण समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी जुन संविधानको प्रस्तावना र संविधानको मौलिक अधिकारको धारा 42 उल्लेख भएको छ त्यसलाई समेटिकन एउटा ऐन बनाउनको लागि हामीले निर्देशन जारी गर्यौँ। प्रधानमन्त्री के प्रतिनिधि के रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप गेवाली सहभागी भेल छलाह। प्रधानमन्त्री ओली के दोसर बैठक में आमन्त्रण कयल गेल बताओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय के प्रमुख व पदाधिकारी, न्याय परिषद के सदस्य आ राजदूत पद में नियुक्ति के सिफारिश कर